पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ये कैसे क्या आप सब मार्केट के हालत में है नहीं, बयान देंगे। अब ज्यादा रिपो मत करो, बेकार मैं मझोला से अपने घर जा रहा था और छोटी वाली मंडी गेट पे जाम लग रहा था और कुछ लड़के जो है नशे की हालत में थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे आगे आगे और जो है लहरा रहे थे। तो मैं उसके पास में जाके बोला मोटरसाइकिल पे ही कि भैया कि तुम अपने भी चोट मारोगे, मेरे भी चोट मारोगे और औरों की भी चोट लग सकती है। आगे ट्रक चल रहा था, उसके बाद जैसे ही छोटा मंडी गेट क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद तीनों उतर गए और उतरने के बाद मारना शुरू कर दिया। मैं पहचान नहीं, मैं संभल ही नहीं पाया। उसके बाद समोसे वाले का खोमचा लिया, खोमचा मेरे सिर में 8-10 खोमचे मारे। उसके बाद बेल्ट का आगे से बंद वो बना के लोहे का वो मारा और फिर मारते रहे मुझे, मारते मारते आगे तक ले गए, सारा फुटेज में है। और फिर बोले ये उनमें से एक लड़का बोला ये मिथुन के साथ का ही है, तो इस तरह से मेरी तरफ इशारा करके बोला। और फिर जब मारते रहे वो, उसके बाद ये जो है राघव जी निकल आए, वो मुझे ले गए और फिर उसके बाद वो भाग गए वहाँ से। एक लड़की भी थी साथ में, तीन तो वो थे, उसके बाद 10 लड़के और आ गए, वो भी मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी और जो है वहाँ के लोगों ने बताया कि उनके पास तमंचे भी लगे हुए थे। जान से मारने का इरादा था बिल्कुल। और ये हो सकता है कि राजनीतिक प्रकरण हो, बहुत ज्यादा मतलब स्थिति मेरी, मैं थोड़ा सा अगर मैं संभला ना होता तो हो सकता है कि मुझे आज जान से मार देते। किसी को आप पहचान पाए? मैं किसी को नहीं पहचान पाया। और कितने लोग थे वो? वहाँ के लड़के जानते हैं, फुटेज में सारे फोटो है, उनमें कम से कम 10-12 लड़के हैं और एक लड़की भी है। और बाद में ये भी कहा बहुत नेता बनता है। ये वजह क्या हुई थी, क्या हुआ था? मुझे पता, बस मैंने टोका, बस यही वजह थी। और तीनों नशे में थे। ठीक। बाद में ये भी कहा कि बहुत ज्यादा नेता बनता है, ये मिथुन के साथ का है। मिथुन मेरा उपाध्यक्ष है लाइन पार मंडल से, छोटा भाई। देखिए ये संज्ञान में आया था थाना मझोला के एसएचओ को, तत्काल हम लोगों ने उसमें जो एफआईआर हम लोग को दी गई थी उसके आधार पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की थी। और इसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने जो नामजद नहीं था, बाद में हम लोगों ने जब फुटेज वगैरह देख करके जब उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। और बाकी जो अन्य लोग हैं जिनके नाम उसमें आए हैं, प्रकाश में आए हैं वीडियो फुटेज के आधार पर, उसको हम अभी उनके पीछे हमारी टीम लगी, उनको बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे।